अमेठी में रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, पोस्टर में लिखा है राहुल गांधी मुर्दाबाद और अमेठी को ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो पीएम का अपमान करे और आतंकवादी का सम्मान। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में गठबंधन की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बैठक, बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर लगी अंतिम मोहर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का गठबंधन ठोक रहा है ताल, पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने महागठबंधन का सहारा लेकर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद बीजेपी के खिलाफ एक और मजबूत मोर्चा हुआ खड़ा, सपा बसपा गठबंधन के बैनर तले हुआ संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कई क्षेत्रों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जागृत आदिवासी संगठन के लोगों ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शन में पुलिस से की कार्रवाई करने की मांग। भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कहे जाने वाली बीएसएनएल कंपनी पर छाए संकट के बादल, बीएसएनएल के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में बढ़ी नाराजगी। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में लगातार जहरीली शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत, प्रशासन के खिलाफ लोगों में बढ़ी नाराजगी। यूपी के रामपुर में समाज कल्याण अधिकारी के स्टेनो को 5,000 की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने स्टेनो को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में थाना मीरजगंज के नेशनल हाईवे 24 पर कंटेनर और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम।